तो आपने और सारे मेरे वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है, आप जाकर देख लीजिएगा। तो वह सारे वीडियो में क्या बताए हैं यह जानना चाहते हैं, तो उस सारे वीडियो में जैसे बी एस सी नर्सिंग का कट ऑफ हो गया, जैसे मैं आपका भिसरी कॉलेज का कट ऑफ हो गया, जैसे मैं आपका बी फार्मा का कट ऑफ हो गया, जैसे मैं आपका डेल टेक्नोलॉजी का कट ऑफ हो गया, ऐसे करके कुछ कुछ हम वीडियो बनाए हैं, वो सारे वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख लीजिएगा। आज किस बात पर हम बात करने वाले हैं, तो हमने थंबनेल देखे हैं, थंबनेल में हमने लिखा है सिविल इंजीनियरिंग, सही सुने, तो हम आज बात करेंगे सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के। तो पीसीएम वाले व्यक्ति जितने भी हैं यह वीडियो बहुत खास होने वाले हैं, और बायोलॉजी वाले के लिए भी खास होने वाले हैं, क्योंकि उससे भी पता चलेगा कि हाँ कट ऑफ कितने तक जाता है। ज्वाइंट वाले के लिए तो बम्पर धमाका है, यानी कि जिधर मन उधर भटक जाएगा। तो हम चलते हैं बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग दिमाग में है क्या, बहुत अच्छा पोस्ट है, ऐसे की डिमांड ज्यादा है सिविल इंजीनियरिंग का, लेकिन हर कॉलेज से करने का डिमांड नहीं है। तो सिविल इंजीनियरिंग किस कॉलेज से करें, यह भी क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलेज दो पार्ट में डिवाइड है, एक है न्यू कॉलेज, एक है ओल्ड कॉलेज। बीसीसी के द्वारा जितना भी कॉलेज आता है वो सारे गवर्नमेंट के कॉलेज है, एक तरह से सबको गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। लेकिन हम बात करते हैं ओल्ड कॉलेज और न्यू कॉलेज में, ओल्ड कॉलेज में प्लेसमेंट होता है, न्यू कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होता है। ओल्ड कॉलेज में आप जो देखिएगा तो हर व्यवस्था होती है, और न्यू कॉलेज में नहीं होती है। जैसे में प्रोफेसर की सुविधा ओल्ड कॉलेज में होगी, न्यू कॉलेज में कमी रहती है। जैसे में आप देखते हैं ओल्ड कॉलेज थोड़ा पुराना तो देखने में लगता है, लेकिन एक तरह से अच्छा कॉलेज है। तो हम यह सारी बात को रखते हुए हम आज कट ऑफ बताते हैं। तो सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है, तो एक नंबर कॉलेज मेरे अनुसार बी सी ई बख्तियारपुर है। यह कॉलेज में सारी व्यवस्था भरपूर है। तो बात करते हैं इसका यूआर कट ऑफ कितना जाता है, तो 11 से 21 जाता है। एससी कट ऑफ कितना जाता है, 10 से 15 जाता है। ईडीसी कट ऑफ कितना जाता है, 18 से 54 जाता है। ईडब्ल्यूएस कट ऑफ कितना जाता है, 11 से 78 जाता है। तो यह सारी कट ऑफ को आप देखिए, और देखने के बाद फिर भी आपको डाउट रह रहा है कि मेरा कट ऑफ इतना है, इतना रैंक है, कैसे एडमिशन होगा, तो आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। फिर बात करते हैं सेकेंड कॉलेज कौन सा है, तो सेकेंड कॉलेज में बीसीई भागलपुर आता है, बीसी भागलपुर। तो भागलपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां से सिविल इंजीनियरिंग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो बात करते हैं उसका डीपी कटअप जाता है 3 से लेकर 176 तक, और यूआर कटअप जाता है 2 से लेकर 8 तक। एससी कटअप जाता है 5 से लेकर 58 तक। एससी कटअप जाता है 5 से लेकर 58 तक। ईबीसी कटअप जाता है 6 से लेकर 13 तक। ईडब्ल्यूएस कटअप जाता है 18 से लेकर 114 तक। यह सारे कॉलेज पुराना कॉलेज है। अभी अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। कॉलेज में आते हैं बीपीएमसीई मधुपुरा। तो मधुपुरा में एक सिविल इंजीनियरिंग का कॉलेज है, वो भी वर्ल्ड कॉलेज है। अब देखते हैं कि ये कॉलेज में कैसा कटअप जाता है। तो यूआर कटअप 313 से लेकर 400 जाता है। एससी कटअप जाता है 93 से लेकर 876 तक। बीसी कटअप जाता है 181 से लेकर 422 तक। ईडब्ल्यूसी जाता है 75 से लेकर 50 तक। आरसीजी जाता है 658 से लेकर 768 तक। अब चार नंबर कॉलेज बहुत मस्त कॉलेज है, वहाँ पर हर व्यवस्था है, और वहाँ से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी होता है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होता है, इससे ही पता चल रहा है कि वहाँ पर प्रैक्टिकल की सुविधा और ज्यादा होगा। इस कॉलेज का नंबर वन कॉलेज कह सकते हैं, लेकिन हमने 4 नंबर पर बताया। वह कॉलेज है बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गया। यह गया का कॉलेज है, जो आईआईटी के द्वारा भी चुना जाता है कुछ स्टूडेंट को। तो इस कॉलेज में यूआर कटअप जाता है 889 से लेकर 4278 तक। अब कहेंगे सर यहाँ पर सबके मन में एक डाउट होगा कि सर क्या हमारा 4000 और 889 के बीच है तो मेरा एडमिशन हो जाए? नहीं हो सकता है भैया, क्योंकि यहाँ पर सीट बहुत कम होती है, 2-4 का ही आता है, क्योंकि सब आईआईटी के द्वारा ही उसमें फुल हो जाता है। चलिए फिर बात करते हैं एक नेक्स्ट कॉलेज, 5 नंबर पे आता है डीसीई दरभंगा। डीसीई दरभंगा में कितना कटअप जाता है, तो यूआर कटअप 44 से लेकर 160 तक जाता है। एससी कटअप जाता है 34 से लेकर 45 तक। बीसी कटअप जाता है 40 से लेकर 110 तक। ईबीसी कटअप जाता है 34 से लेकर 354 तक। अब 6 नंबर पर बात करते हैं। अब 6 नंबर से जितना भी कॉलेज बता रहे हैं सब न्यू कॉलेज है। तो आप 5 नंबर तक जो भी देखें वो सब पुराने कॉलेज थे, अब न्यू कटअप है। अब देखिए कुछ फिर बात करते हैं न्यू कट ऑफ कितना आ जाता है, न्यू कॉलेज में कितना आ जाता है। अब देखिए ये आपका 10,000 भी रैंक है ना, तो आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल सकती है। परंतु यहाँ पर आपको रैंक जो आता है कैटेगरी रैंक 1000 के अंदर में होगा तब। लेकिन यूआर रैंक अगर 10,000 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट मत रखिए, आपका कॉलेज मिलेगा ही। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे मस्त कॉलेज जो न्यू कॉलेज में है तो वह वेस्ट चंपारण का कॉलेज है, जहां पर आपको हर सुविधा मिलेगी। और वह कॉलेज अभी मोतिहारी में चलती है, लेकिन अब तुरंत ही शिफ्ट होने वाली है वेस्ट चंपारण में। लेकिन बात करते हैं इसका यूआर कटअप कितना जाता है, 420 से लेकर 505 तक जाता है। एससी कटअप कितना जाता है, 56 से लेकर 180 तक। ईबीसी कटअप कितना जाता है, 205 से लेकर 600 तक। और आरसीजी कटअप
कितना जाता है 100 से लेकर 839 तक। सेकंड नंबर कॉलेज हम बात करेंगे, सात नंबर पर जो न्यू कॉलेज है वह है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज साबुर। अब साबुर का देखेंगे इस कॉलेज में कितना जाता है फोटो, तो यू आर कटअप जाता है 373 से लेकर 645 तक, एससी कटअप जाता है 114 से लेकर 279 तक, और ईबीसी कटअप जाता है 208 से लेकर 228 तक, आरसीटी कटअप जाता है 104 से लेकर 158 तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज, आठ नंबर कॉलेज अररिया कॉलेज आता है, यानी कि आठ नंबर अररिया कॉलेज है, उससे पहले पूर्णिया कॉलेज आती है। पूर्णिया कॉलेज और अररिया कॉलेज का एक मेन ब्रांच है जो पूर्णिया में ही है, और इसके देखेंगे कटअप कितना जाता है, यूआर कटअप जाता है 547 से लेकर 634 तक, एससी कटअप 97 से लेकर 243 तक, और ईबीसी कटअप जाता है 224 से लेकर 227 तक, आरसीटी कटअप जाता है 124 से लेकर 138 तक। अब बात करेंगे हम यहाँ पर इस कॉलेज को भ्रमण किया है, यानी कि अररिया कॉलेज को भ्रमण किया है, अररिया कॉलेज के बारे में पूरा सही से जानते हैं, तो आप कहेंगे कैसा है कॉलेज, तो इसके बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं दो सेकंडों में हम डिस्क्राइब करेंगे, बहुत शॉर्ट में, इसलिए वीडियो देखिए। अब बात करते हैं इस कॉलेज में आपको सारी व्यवस्था मस्त है, यानी कि सारा कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या चीज होती है, तो यह कॉलेज आउट एरिया है, आउट एरिया यानी कि वहां पर बहुत दिक्कत होती है, सवारी का दिक्कत, हर चीज का दिक्कत होता है। और नेक्स्ट बात कि उस कॉलेज में आपको मेस का जो है प्राइवेट चार्ज यानी कि थोड़ा लगभग 4000 के करीब पैसा लग जाता है, तो आपने छोटे से डिस्क्राइब में आप समझ चुके होंगे कि कितना दिक्कत होता होगा, क्या होता होगा पढ़ाई, लेकिन मस्त होता है। लेकिन उसमें IIT के द्वारा कुछ बच्चे पहले आ जाते हैं, जिसके कारण आप अगर BCC के द्वारा जाते हैं तो आपको वहां के कोर्स समझ में नहीं आएंगे। चलिए हम 9 नंबर कॉलेज की बात करेंगे, जो पुराने ही कॉलेज हैं, यह भी कॉलेज बहुत अच्छे कॉलेज है, जो आपको कॉलेज सहरसा के बारे में बात करेंगे। सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज का कटअप कितना जाता है, तो 206 से लेकर 228 जाता है, एससी कटअप जाता है 98 से लेकर 104 तक, ईबीसी जाता है 104 से लेकर 164 तक, आरसीजी कटअप जाता है 89 से लेकर 128 तक, और बहुत सारे कॉलेज है जिसके बारे में हम डिस्क्राइब करें तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए सिविल इंजीनियरिंग में आपको सीट मिल जाएगा, लेकिन आप रैंक कैटेगरी रैंक और यूआर रैंक आप कमेंट में दीजिए, हम आपको कॉलेज बताएंगे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा और कौन सा आपको कोर्स मिल जाएगा, इसलिए कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि उनको भी हेल्प मिल जाए। और एक बात और, नेक्स्ट वीडियो हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर बनाने वाले हैं, इसलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दें, जिससे हर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे, और जैसे ही चॉइस फिलिंग का अपडेट आता है वैसे ही हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे, और सीट कौन सा कॉलेज में कितना सीट है, ये सारे भी।